देश से दूर जब मैं भारत माता की जय का आह्वान सुनता हूं, कहीं से आवाज आती है नमस्कार, तो ऐसा लगता है जैसे घर आ गया हो। और हम भारतीय जहां भी जाते हैं एक मिनी इंडिया जरूर बना लेते हैं। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी, यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफेल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। और मैं आपको भी चुनौती देता हूं कि अगली बार आप भारत में आए तो जेब में एक भी पैसा लेना बिना लिए बिना निकलिए घर से, खाली जेब, सिर्फ मोबाइल फोन पर यूपीआई ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। आप पूरा हिंदुस्तान घूम करके आएंगे, एक नए पैसे कैश की जरूरत के बिना आप अपना गुजारा कर सकते हैं। आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। भारत का सामर्थ्य और भारत की भूमिका बहुत तेजी से बदल रही है। भारत इस समय G20 का प्रेसिडेंट है। पहली बार किसी देश की प्रेसिडेंसी में ऐसा हो रहा है जब उस देश के कोने कोने में 200 से ज्यादा बैठकें हो रही है। हमारे यहां कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, यानी हर कुछ दूरी पर भारत में पानी का स्वाद बदल जाता है और वाणी यानी लैंग्वेज भी बदल जाती है। भारत में 100 से ज्यादा भाषाएं हैं, 1000 से ज्यादा बोलियां हैं। इन 100 से ज्यादा भाषाओं में हर रोज 32,000 अलग अलग न्यूज़पेपर छपा करते हैं। और मेरे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी तरफ से कहना चाहता हूं, मैं भी संकल्प लेकर के निकला हूं, शरीर का कण कण और समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, देशवासियों के लिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।